जब घर में ही एकदम टेस्टी और स्पाइसी सब्जी मिल जाए तो लोग रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे। वो भी जल्दबाजी में बनी हुई ये सब्जी है और आप एकदम होटल और रेस्टोरेंट की तरह टेस्ट पाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी की मम्मा, खुशी की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। इसके लिए मशरूम को हमने पहले धुल लिया था 2-3 पानी। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से इसके छिलके हम उतार रहे हैं। इसके आपको छिलके हटा लेने हैं, तो नॉर्मल आप पीछे की ओर से जब इसके छिलके को हाथ लगाओगे तो ये अपने आप बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो इसमें कोई चाकू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से इसके छिलके उतार लीजिए। आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम इसके छिलके उतार रहे हैं। तो अभी आपको मैं मशरूम में कंपेयर दिखाऊंगी, आप जिसके छिलके नहीं उतरे हैं और जिसके उतरे हैं, आप देख पा रहे हो कि दोनों किस तरीके से दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको सभी मशरूम के छिलके उतार लेने हैं। और जो इसके पीछे की डंठल होती है, मैं तो उसे निकाल के हटा देती हूँ, लेकिन बहुत लोग इसे बनाते भी हैं, तो आप इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी। अब बीच में देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट ये भी होता है, तो डंठल में कोई गुठली वगैरह डंडी वगैरह नहीं होती है। फिर जब सारी छिलके उतर जाए तो जो पीछे इसका थोड़ा सा रेशा रेशा होता है ना, लाइन की टाइप ब्लैक कलर का, उसे भी निकाल दीजिएगा। और उसे निकालने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको जितने बड़े साइज़ में मशरूम है, अगर बड़े साइज़ में है तो 4 पीसेस में कर दीजिएगा, अगर छोटे साइज़ में है तो आप खाली 2 पीसेस में करके इसको कटिंग कर लीजिए इसका सारा। और कटिंग करने के बाद इसको धुल लीजिएगा, धुल के तब आगे यूज़ होगा। और उसके साथ हमने यहाँ पर मटर ली है, हरी मटर है। और इसको लेने के बाद फिर एक ग्रेनिक जार लेंगे, और इसके बाद हम इसमें लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है। यहाँ पर लहसुन पूरा 1 पोटी लिया है, अदरक करीब 2 इंच लिया है, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज है। और इसको हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लेना है। तो आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि सब्जी मैं केवल 2-3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से इतना सामान है। बाकी अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो और भी सामान को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा उसी हिसाब से। ये देखिए, मैंने प्याज पीस लिया है, मसाले सारे। फिर इसके बाद इसी जार में हम टमाटर पीस लेंगे, तो 1 मीडियम साइज के टमाटर काट लेंगे। और काटने के बाद इसे भी हमें अच्छी तरीके से ढक्कन लगा के पीस लेना है। महीन पीसिएगा थोड़ा सा, ये देखिए पीस गया है। तब ये हमने एक पतीला चढ़ा दिया है सिल्वर का, आप चाहे तो कोई भी पतीला लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, जब तेल लाल हो जाए तो इसमें मशरूम को करना है फ्राई। तो मशरूम डाल देंगे, और मशरूम डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। जब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। सो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में और अच्छी सब्जी बन करके यहाँ तैयार होने वाली है। ये देखिए, मशरूम हमारा बहुत अच्छे से लाल है, तो बस इसे हमें बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद इसी तेल में जो तेल बचा हुआ है, इसी तेल में आगे के प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर लौंग है और दालचीनी है और बड़ी इलायची है, बाकी जो भी और गरम मसाले हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ही था, ये डाला हमने। साथ में ही जीरा डाला है थोड़ा सा। जब ये दोनों अच्छे से लाल हो जाए तो फिर इसका जो पिसा हुआ मसाला है उसे ऐड कर दीजिए। और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लीजिए, जब तक भूनिएगा जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये अच्छे से लाल हो गई है प्याज, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे से प्याज लगे ना। फिर इसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इसी के साथ थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जितना कलर आपको गाढ़ा मतलब डार्क या लाइट खाना हो उस हिसाब से ऐड करिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करना है, तो हमारे यहाँ गरम मसाले में हल्दी पाउडर हमने मिक्स किया हुआ है, इस वजह से हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है। आप अलग से हल्दी पाउडर अगर नहीं होगा डाल दीजिएगा। फिर इसके साथ थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए एक बार भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाए, यहाँ पर हरी मटर ऐड कर देना है, मशरूम ऐड कर देना है। और मशरूम ऐड करने के बाद इसको फिर से एक बार नमक डाल के अच्छी तरीके से चला लेना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसको अच्छे से 1 मिनट तक करीब हम भून लेंगे मटर और मशरूम डालने के बाद। इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। और भूनने के बाद इसमें आप पानी ऐड करेंगे,
पानी इतना ऐड करिएगा ताकि मशरूम अगर हमारा पके तो पानी हमारा जितना एक गिलास हमने ऐड किया है मतलब सब्जी थोड़ा सा गाढ़ी बन के तैयार हो। इसको ढक के करीब 5 से 7 मिनट पकने दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए आई थिंक हमारा मशरूम अच्छे से पक गया है यहाँ पर। तो हमारा मशरूम अच्छे से यहाँ पक चुका है क्योंकि हमने फ्राई भी किया था। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप पे आपको टमाटर का प्यूरी डाल देना है। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको फिर से एक बार चला करके 5 मिनट के लिए टमाटर की प्यूरी को हमको पकने देना है। जब टमाटर का प्यूरी पक जाएगा तो आप इसका लुक देखेंगे सब्जी का, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक लगेगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी लग रही है देखने में, एकदम रेस्टोरेंट की तरह बन करके तैयार है। अगर आप चाहें तो एक बार इस तरीके से बना कर ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। और फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती जरूर डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और फ्रेशनेस बहुत अच्छी आती है सब्जी में और लुक भी देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार है। गर्मा गर्म आप रोटी है, चावल है, पराठे पूरी किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं या कोई भी फेस्टिवल पे आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। सो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज लेकर आते रहें। चलिए फिर से मिलते हैं हम एक बार नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।